अच्छा, अगर मेनली डेस्कटॉप डाउनलोड हो गया, मेनली डेस्कटॉप डाउनलोड करना है तो उसमें जाके टूल्स में ऑप्शंस में गए, ऑप्शन में यहाँ पे साइटेशन की को क्लिक कर देना, ये मेरा अनचेक हुआ हुआ था पहले, फिर ओके कर देना। और इसमें एक तो पेपर वगैरह इस तरह ऐड कर सकते हैं जो कि पहले से पता, आपको पेपर सर्च किया, पेपर डाल दिया और बात ख़त्म, वो आ जाता है यहाँ पे। और अगर उसका नाम वगैरह ख़ुद ही शो हो गया तो दैट्स फाइन, नहीं हुआ तो आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। और साइटेशन की जो होती है, जिस तरह मेरी ये बनी हुई है लिम 2017, कुछ पेपर्स की मेरी बन गई थी, कुछ की मुझे बनानी पड़ी। इसका ऑथर का नेम लिम है, उस तरह इसका उर्कट 2017 होगा। तो कुछ भी आप रख सकते हो, कुछ एक कुछ पेपर्स होते हैं एक ही राइटर के, उर्कट 2017 में से तीन पेपर लेट्स पब्लिश किए और मैंने तीनों रेफरेंस दिए, तो वो ABC के नाम से आ जाते हैं इसके आगे, या आप कुछ भी डाल सकते हो अपनी मर्जी से। और इसके अलावा अब मेंडले की ये वेबसाइट भी है, यहाँ पे गए और लाइब्रेरी में चले गए। लाइब्रेरी में आपके वही चीज़ें तकरीबन आ रही होंगी जो यहाँ पे, यहाँ पे एक ऑप्शन भी होता है डेस्कटॉप में कि चेक फॉर डुप्लीकेट्स, मेरे 5 डुप्लीकेट्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि नो कॉन्फ्लिक्टेड फील्ड्स, तो मैं इसको मर्ज कर सकता हूँ, तो मैं इसको कंफर्म मर्ज पे क्लिक करूँगा तो ये हो जाएगा, लेकिन मैं अभी खैर करना नहीं चाह रहा, इसको बाद में देख के मैं करूँगा। और इसके अलावा यहाँ पे ये सारे भी वही आ रहे हैं, यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हो। और मेंडले की ये प्लगइन भी है उसके लिए, डेस्कटॉप ब्राउज़र के लिए। अब मिसाल के तौर पे मैं गूगल पे कोई पेपर लिखता हूँ, ठीक है, ये पेपर है, बैक ही चलते हैं, एल्सवेयर के हो गए ज़्यादा से ज़्यादा वो उठा लेता है इजीली, ये प्लगइन से जो निकल आते हैं। दो तरीके, मिसाल के तौर पे अब यही पेपर है, मुझे ये पेपर को साइट करना है, तो मैं इसका करूँगा यहाँ पे वो ऑप्शन साइट पे क्लिक किया मैंने और बिब टेक्स पे क्लिक किया, नहीं बिब टेक्स में नहीं करना, साइट पे किया और ये रेफरेंस पेन किया, तो डॉट RIS वाली फाइल आ गई है। अब इसमें इसकी साइटेशन है इस वाले की, इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ, मैंने इंपोर्ट कर दिया, और ये डॉट RIS वाली फाइल भी इंपोर्ट कर सकता हूँ, डॉट बिब वाली फाइल भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो RIS वाली फाइल मैं कंप्यूटर से लोकेट करके ये वाली फाइल अपलोड कर दूंगा। और इसके अलावा यहाँ से भी साइटेशन, लेट से मैंने कोई जर्नल पे क्लिक किया, अपने जर्नल का ऑथर वगैरह का नाम डाला और मुझे पता चल गया यहाँ पे देखने के बाद कि मे बी ये वाला पेपर है, नाम वगैरह पढ़ लिया। तो अब क्या है, वॉल्यूम नंबर लेट से पता तो डाल दिया, ज़रूरी नहीं होता वैसे, बैक करूँ तो इसको, ये वाला पेपर नो, इशू नंबर भी नहीं पता और बाकी सब कुछ खुद ही डल गया और ये सेव हो गया। सेव होने के बाद यहाँ पे जब सारे रेफरेंसेस आपने डाल दिए, डाउनलोड रेफरेंसेस किया, और ये मेंडले का कहाँ पे ये ऑप्शन होती है मेंडले की, तो ये आपने इसको क्लिक किया और आपकी एक फ़ाइल आ जाएगी डॉट RIS की, वही फ़ाइल आ गई। फिर आप इसको यहाँ पे जाके अपलोड कर सकते हो इम्पोर्ट में, और RIS वाली फ़ाइल, और फिर वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर जब आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई, जिस तरह मेरे यहाँ पे आ रहे हैं, तो इनको सिलेक्ट कर लिया और आपने एक्सपोर्ट कर लिया, एक्सपोर्ट करके आपकी फ़ाइल आ जाएगी। और अपने वहाँ पे जो ओवरलीफ है वहाँ पे अपलोड कर दिया। जब आपकी इस तरह की फाइल होती है, डॉट बिप वाली फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी, डॉट बिप वाली फाइल इस तरह ही है ना, उसको यहाँ पे अपलोड कर दिया, ये अपलोड का बटन क्लिक करके इस पुरानी वाली को डिलीट कर दिया। और इसको भी खोलोगे ना तो ये देखो अंदर इस तरह की साइटेशन होती है। इस वाली साइटेशन के अंदर ये जिस तरह मैं सेकेंड वाली दिखा देता हूँ, ये मेरा आर्टिकल है पूरा, ये उसकी पूरी साइटेशन है, ठीक है। कभी कभार एक्सट्रैक्ट लिखा होता है, कभी कभार नहीं लिखा होता। जो ये जो पहला ना, ये साइटेशन की है उर्कर 2016। सो ये सीन है। और इसके अलावा जिस तरह मैं बता रहा था, एल्स वेयर, मिसाल के तौर पे मुझे इसका लिंक मिल गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यही यही पेपर है और ये मेरा मेंडले में चला जाए, तो मैं यहाँ पे ऐड टू मेंडले भी कर सकता हूँ, ठीक है। ऐड टू मेंडले किया और ये देखो मैं साइन इन करूँगा यहाँ पे, तो
साइन इन करने के बाद यहाँ से ये पहले वाला पेपर है ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और ऐड टू मेंडले करूँगा तो वो मेरे इस मेंडले में भी आ जाएगा। यहाँ पे सिंक्रोनाइज का बटन दबाऊँगा तो सारे पेपर ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएंगे, इवन ऑनलाइन वाले में भी आ जाएगा। ये रिसेंटली एडिट में तो पहला ही आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे डालोगे पेपर रिसेंटली एडिट में, लेट से आ गया पेपर, आप जाओगे यहाँ पे और उसकी साइटेशन की डाल दोगे, साइटेशन की डाली और फिर अपना आपने एम एस वर्ड खोला और वहाँ पे चेंज कर दिया। और इसके अलावा और कोई तरीका, मेरे ख्याल से मैंने सारे तरीके डिस्कस कर लिए हैं जहाँ जहाँ से मैंने जिस तरह किया था, और ये सारे हैक्स, इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया देखने में क्योंकि कुछ साइटेशंस थी। अब ये इनको बैठ के ना मैन्युअली डालना बड़ा मसला होता है, इतना लंबा नाम और इतनी ज़्यादा प्रिसीजन के साथ कि आप एक एक चीज़ इनकी डालो। तो इसी तरह आपने यहाँ से ऑटोमेटिकली उठा लिया, आपने यहाँ से ऐड टू मेंडले कर दिया। उसके अलावा अगर आपको इन दोनों जगहों से नहीं मिला तो आपने साइट पर जाके, गूगल पर तो हर चीज़ मिल जाती है, रेफरेंस में जाके सिंगल सिंगल यहाँ से होता है, लेकिन ये किया तो फाइल डाउनलोड होगी, उस फाइल को फिर मेंडले में अपलोड कर दिया। सो ये सारे तरीके हैं, और बाद में और कोई चीज़ हुई तो बता दूंगा।